बिजनेस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय विनर इंस्टीट्यूट। नमस्कार, मैं भाग्यश्री। मिस इंडिया न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। 70 साल पुरानी वोल्टास को बेचने की तैयारी में टाटा ग्रुप, होम अप्लायंस बिजनेस में स्पर्धा करने का असर। स्मार्टफोन की एवरेज सेलिंग प्राइस 12% बढ़कर 21,000 रुपए। बीते 3 महीने में 5G फोन की औसत कीमत 9% घटकर 29,700 रुपए रह गई। भारत में रोजमर्रा के उपयोग का सामान यानी FMCG बनाने वाले उद्योग ने सितंबर तिमाही के मात्रा में 8.6% की वृद्धि दर्ज की है। उद्योग को महंगाई का दबाव कम होने के कारण खपत बढ़ने से मदद मिली है। कीमतों में सुधार के साथ FMCG उद्योग ने जुलाई सितंबर तिमाही में मूल्य के लिहाज से 9% की वृद्धि दर्ज की। यह आंकड़ा पिछले तिमाहियों से कम है। जब महंगाई अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर पर थी तो पिछले 5 से 6 तिमाहियों में FMCG उद्योग ने मूल्य के लिहाज से वृद्धि दर्ज की थी। हालांकि मात्रा में वृद्धि दबाव में थी। नीलसन IQ की FMCG तिमाही रिपोर्ट में कहा गया है कि जींस कीमतों में नरमी के साथ यह प्रवृत्ति पलटने लगी है। केंद्र सरकार ने अरहल और उड़द दाल पर लागू स्टॉक लिमिट में संशोधन करते हुए दोनों दालों पर मौजूदा स्टॉक लिमिट को बढ़ा दिया है। इस संबंध में सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके मुताबिक संशोधित स्टॉक लिमिट तत्काल प्रभाव से लागू होगी। द होलसेल ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन के सचिव प्रताप मोटवानी ने बताया कि सरकार ने थोक कारोबारियों को अब प्रत्येक दाल का 200 टन स्टॉक रखने की इजाजत दी है। पहले ये कारोबारी 50 टन दाल रख सकते थे। खुदरा दाल कारोबारियों को दोनों दालों में से प्रत्येक का 5 टन स्टॉक रखने की अनुमति होगी। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। बड़ी श्रृंखला वाले खुदरा विक्रेता प्रत्येक खुदरा आउटलेट पर प्रत्येक दाल का 5 टन स्टॉक रख सकते हैं, जबकि डिपो या वेयर हाउस में दाल रखने की लिमिट 200 टन होगी। पहले डिपो पर दाल रखने की लिमिट 50 टन थी। देश में स्मार्टफोन की बिक्री लगभग स्थिर हो गई है। जुलाई सितंबर में 4.4 करोड़ स्मार्टफोन बिके, लेकिन लोग महंगे फोन ज्यादा खरीद रहे हैं। इसके चलते स्मार्टफोन की एवरेज सेलिंग प्राइस 21,000 रुपए हो गई है। यह अप्रैल जून तिमाही के मुकाबले 5% और पिछले साल की तुलना में 12% ज्यादा है। मार्केट इंटेलिजेंस फर्म इंटरनेशनल डेटा कॉरपोरेशन के मुताबिक 5G फोन की ASP सालाना आधार पर 9% घटकर 29,700 रुपए रह गई। सितंबर तिमाही में 2.5 करोड़ स्मार्टफोन बिके, इसमें 5G फोन की हिस्सेदारी 58% रही। ज्यादातर स्मार्टफोन 8,400 से 16,700 रुपए के प्राइस टैग के साथ लॉन्च हुए हैं। इस सेगमेंट में 5G स्मार्टफोन की हिस्सेदारी 52% हो गई है, जो जून तिमाही में सिर्फ 34% थी। बाजार की हिस्सेदारी घटी है, फिर भी सैमसंग भारत में टॉप पर है। सैमसंग की बाजार हिस्सेदारी 2.3% घटी। शाओमी का मार्केट शेयर भी 5.7% घटा। वन प्लस का मार्केट शेयर 50.1% और पोको का 50.8% बढ़ा। टाटा ग्रुप होम अप्लायंस बिजनेस बंद करने पर विचार कर रहा है। ये दिग्गज कॉरपोरेटेड समूह करीब 70 साल पुरानी कंपनी वोल्टास को बेच सकती है। कंपनी के कुछ अधिकारियों के मुताबिक मैनेजमेंट को लगता है कि इस बाजार में प्रतिस्पर्धा इस कदर बढ़ गई है कि अब वोल्टास का बिजनेस बढ़ाना मुश्किल है। अभी ये तय नहीं हुआ है कि इस डील में ग्रुप के जॉइंट वेंचर ऑर्सिलिक AS को शामिल करना है या नहीं। हालांकि टाटा ग्रुप की ओर से अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। चीन का आयात अक्टूबर में बढ़ा है, लेकिन निर्यात में लगातार 6 माह गिरावट आई है। इससे पता चलता है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का संकट अभी कायम है। सीमा शुल्क विभाग ने मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार चीन का आयात अक्टूबर में 1 साल पहले की समान अवधि की तुलना में 3% बढ़कर 218.3 अरब डॉलर पर पहुंच गया। वहीं निर्यात 6.4% घटकर 274.8 अरब डॉलर रह गया। इस दौरान चीन का व्यापार अधिशेष घटकर 56.5 अरब डॉलर पर आ गया। खबरें समाप्त करने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। 70 साल पुरानी वोल्टास को बेचने की तैयारी में टाटा ग्रुप, होम अप्लायंस बिजनेस में स्पर्धा करने का असर। स्मार्टफोन की एवरेज सेलिंग प्राइस 12% बढ़कर 21,000 रुपए। बीते 3 महीने में 5G फोन की औसत कीमत 9% घटकर 29,700 रुपए रह गई। बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए NBC News। नमस्कार।